इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है। पिछली तीन वीडियोस हमने बनाई है मार्केट क्रैश को लेके, और उसमें हमारा ये अनुमान था कि बाजार एक बबल फेज में है, यहाँ से बाजार करेक्ट हो सकता है, गिर सकता है। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, थैंक यू सो मच। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखा, तभी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाई। तो जितने भी नए लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं डेटा पुल ऑन कर रहा हूँ या जो फैक्ट्स या अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रख रहा हूँ वो मेरी अपनी है, बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत ही ज्यादा कंक्रीट है। मैंने ये डेटा आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये चार्ट आप मेरे सामने देख रहे होंगे, इस पे मैंने कुछ फिबोनाची और इलियट वेव को प्लॉट किया है। मैं दो चीजों को रख के आपके सामने क्यों आया हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम अलग एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करें, एक एस्पेक्ट हमने वीडियोज में डिस्कस किया कि जो एस्पेक्ट था फंडामेंटल, कि इकोनॉमी के हालात कैसे हैं, इकोनॉमी में बबल है क्या, यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, इंडिया मार्केट में क्या हो रहा है, क्या संभावना है जिसकी वजह से लगता है कि बाजार गिर सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा कि अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेंगे तो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या कहता है कि बाजार क्यों गिरना चाहिए और क्यों गिरने की संभावना है। दोस्तों, बाजार का गिरना कोई पाप नहीं है, अभिशाप नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। बाजार के गिरने से हमेशा मार्केट एक अच्छे फेज में जाती है, मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद बाजार के फंडामेंटल्स अच्छे हो जाते हैं, बाजार की वैल्यूएशन अच्छी हो जाती हैं। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए बताता हूँ कि मैंने क्या प्लॉट किया। दोस्तों, मैंने पहले वन डे चार्ट यूज किया है और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्गर टाइम पे बाजार ने कैसा परफॉर्म किया, पीछे कैसा परफॉर्म किया है और क्या क्या पॉइंट्स रहे जिनके बेसिस पे मैं ये अनुमान लगा पा रहा हूँ कि टेक्निकली करेक्शन आने की संभावनाएं मोर देन 95-96% है। 3-4% इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो 3-4% का जो होल्ड है ना, वो उन 4% लोगों के हाथ में जो बाजार को मैनिपुलेट करते हैं। बाकी अगर वो इस बार नहीं कर पाएंगे तो बाजार को कोई बचा नहीं सकता है। बाजार में करेक्शन या करेक्शन कहें, डीप करेक्शन कहें, क्रैश कहें, जो नाम आप लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए मैं निफ्टी को बिल्कुल पीछे से चलाऊं, मैंने फिबोनाची को प्लॉट किया है। बहुत ही डिफरेंट टाइम फ्रेम से आप देख सकते हैं, बहुत कलरफुल दिख रही है, ग्रीन येलो ब्लू करके है ना, तो ये ताकि अलग अलग फेजेस आपको दिखाई दे, मैंने ये आपको प्लॉट किया है। मैंने क्या किया है फिबोनाची को आपको मालूम है प्लॉट कैसे करना था, एक हाई और लो के बीच में एक फिबोनाची को प्लॉट किया जाता है, वो आपको आता ही होगा। और अगर आप उसका एडवांस वर्जन या उसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो क्लासेस अनाउंस हो चुकी हैं, क्लासेस में वो सिखा दी जाएंगी चीजें। दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है, मैंने यहाँ से निफ्टी का एक फिबोनाची प्लॉट करने की कोशिश की कि इस हाई और इस लो के बीच में। उसके बाद फिर मैंने एक दोबारा एक अगला हाई स्विंग पकड़ा, एक फिर से स्विंग लिया मैंने, उसके ऊपर प्लॉट किया। फिर मैंने एक स्विंग लिया है, स्विंग छोटा है पर स्विंग लिया है मैंने, उसको उस पर प्लॉट किया। फिर मैंने एक और स्विंग को यूज किया है मैंने, फिर मैंने एक और स्विंग को यूज किया है, उसके बाद मैंने एक लास्ट स्विंग को यूज किया, सेकंड लास्ट ये रहा और लास्ट स्विंग ये रहा जो अभी वी शेप रिकवरी थी। ये देखिए बिल्कुल वी शेप रिकवरी है, यहाँ मैंने स्विंग को लगाया। उसके बाद मैंने अपनी इलेट वेव्स की इलेट वेव्स को प्लॉट करने की कोशिश की कि क्या लगता है, ये अभी इस पे छोड़ दीजिए ग्रीन ले, अभी देखेंगे ये करेक्शन कहाँ तक आएगी, ये करेक्टिव वेव जो है ये कहाँ तक जा सकती है, बाजार को कहाँ तक लेके जाएगी और क्यों लेके जाएगी वो तो बता ही चुका हूँ, बट क्या संभावना है इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, जिसको आता है एनालिसिस वो स्किप कर सकते हैं, जिसको नहीं आता प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मंझे हुए होते हैं बट वो चाहते नहीं किसी को कुछ सीखने देना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख लो यार, 5-7-10 मिनट लगेंगी और इससे ज्यादा तो हो सकता है, 10 मिनट आपके पैसे बचाएं बहुत सारे। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए, जब एक ये स्विंग जब आया था, जब मार्केट 1295 मतलब मोटा मोटा 1300 की निफ्टी हुआ करती, निफ्टी का प्लॉट मैं किया है मैंने, 1300 से निफ्टी की एक रैली हुई 6321 के आसपास में। ये दोस्तों प्लॉटिंग में हो सकता है पॉइंट वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, रुपए 2 रुपए 5 रुपए ऊपर निफ्टी की मूवमेंट हो जाए, या बिल्कुल एकदम बॉटम पे या बिल्कुल टॉप पे ना टच हो तो उसके लिए एक्सक्यूज कर दीजिएगा कि डेट्स एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है, प्लॉटिंग में वो एरर आ सकती है, ठीक है, उसको आप इग्नोर कीजिए, बट ब्रॉडर एस्पेक्ट को देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ 1300 से जो निफ्टी चली हमारी 6321 के लिए, ठीक है, ये निफ्टी चली और यहाँ से जब इसका फॉल आना स्टार्ट हुआ तो उसने जब करेक्शन स्टार्ट की तो ऊपर का ये इंपॉर्टेंट लेवल है 0.786, 786, ठीक है, 786 का जो लेवल था ऊपर में 0.786, इसको ब्रेक किया ही किया, 5245 को ब्रेक किया और बाजार एक करेक्शन फेज में चला गया, ठीक है। एक डीप करेक्शन थी, बहुत ही डीप करेक्शन थी, 6321 से 2275, ये 2008 की करेक्शन कोई भूला नहीं होगा दोस्तों, सबको ये करेक्शन याद होगी, ठीक है। और ये करेक्शन स्टार्ट हुई थी जनवरी में और ये करेक्शन एंड हुई थी अक्टूबर में, करेक्ट। तो ये दिस वॉज द डीपेस्ट ऑफ द करेक्शन, क्योंकि इसने जो रिट्रेसमेंट हुई, जो बाजार वापस किया, इसने 0.236 को सपोर्ट लिया और वहां से बाजार चलने की कोशिश की। फिबोनाची इज वंडरफुल, वेरी वेरी ब्रिलियंट, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, उससे पहले भी जो कंसोलिडेशन हुआ तो 0.618 के आसपास में एक बाउंस आया, फिर वापस गिरा 0.5 पे एक बाउंस आया, फिर उसके बाद उसको सस्टेन नहीं किया और 0.23 तक बाजार निकल गया। ये बाजार उसके बाद जो स्विंग आया,
2275 की निफ्टी के बाद में देन स्विंग वेंट ऑन टू 6373। वापस से बाजार ने एक सेम हाई को रिपीट किया, सस्टेन नहीं किया, वहां पे फिर सप्लाई उसको मिली, अच्छा खासा सप्लाई जोन उसको देखने को मिला, यहां से बाजार फिर से करेक्ट हुआ। यहाँ पे फिर एक रेशियो सामने आ रही है दोस्तों, देखिए येलो कलर में आप दिख रही होगी जहां मेरा कर्सर घूम रहा है 0.786। बाजार ने कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते चलते हैं, हॉरिजॉन्टल रो को मार्क कर लेते हैं। पहले बाजार ने इस लेवल को ब्रेक किया, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से दिखाई दे, पहचान में आ जाए, और थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। चलिए ये 0.786 एक्टेड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बट इट गॉट ब्रोकन इवेंचुअली। यहाँ पे अब सेकंड स्विंग की बात करें, ये स्विंग की बात करें, यहाँ पे फिर से मार्केट ने ये 0.786 अभी ये यहाँ का एक लेवल था दोस्तों, वापस से करेक्शन की बात की हमने, इस पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से एक फॉल आया। ठीक है, अब हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड की अगर बात करें तो फिर एक ये थर्ड स्विंग था, थर्ड स्विंग के अंदर में ये 0.786 का ये लेवल था, यहाँ एक कंसोलिडेशन उसको ब्रेक किया, 0.38 से वापस से बाजार चला, मतलब 0.786 को कम से कम बाजार ने रिट्रेस किया, वापस गिरा ही गिरा। उसके बाद इस स्विंग की बात करें जो 5197 से लेकर 9000 के आसपास का स्विंग रहा, यहाँ पे भी बाजार ने 0.786 तक कम से कम बाजार ने रिट्रेसमेंट किया, फॉल किया और 0.382 के आसपास आके बाजार चला। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पुल करके लाया हूं, शायद ही किसी वीडियो में आपको मिले, कहीं नहीं मिल सकता है। ये जो स्विंग था, ये एक इस स्विंग की बात है, छोटा सा स्विंग है दोस्तों, छोटे से स्विंग में भी ये लेवल 0.786 का था, 8485 का, इसको तोड़ा और यहाँ पे 0.5 से बाजार ने रिवाइव किया, 0.5 से 7900 के आसपास से बाजार चला। अब ये स्विंग था दोस्तों 7900 मतलब 8000 के लेवल से निफ्टी चली और 8000 से चल के निफ्टी 12400 के आसपास पार कर गई, 12415-16 स्पॉट के लेवल है, कुछ पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं थोड़े बहुत, उस पे आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे भी 0.786% के आसपास का एक झटके से बाजार ने क्रैश किया, ये हमारा 2020 का क्रैश है दोस्तों, कोविड सामने रखा गया, बाजार यहां से गिरा, बेहतरीन गिरा, और यहां से ये दिस वॉज द सेकेंड डीपेस्ट करेक्शन आफ्टर द फर्स्ट करेक्शन 2008 में जो हुई थी, क्योंकि यहां पे इसने 0.236 को भी ब्रेक किया एंड द मार्केट वेंट ओवर टू टच 0.7500 लेवल्स। ठीक है, यहां से दिस रिकवरी हैज कम नाउ, दिस इज अ वी शेप रिकवरी विदाउट एनी फंडामेंटल्स। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स थे, यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स थे, यहाँ कुछ ग्रोथ स्टोरी थी, सब प्राइम के बाद में चीजों को ठीक किया गया, बहुत सारी चीजें की गई, और यहाँ पे दिस वी शेप रिकवरी इज अ फेक रिकवरी विच आई हैव बीन शाउटिंग, विच सो मेनी इन्वेस्टर्स आर शाउटिंग, पीपल आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, वॉरेन बफेट जैसे लोग बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, कैश में बैठे हैं। अब यहाँ पे अगर इस राइज की हम बात करें तो इसका 0.786 बनता है यहां 11063 रुपए, 11063। सो मार्केट शुड एटलीस्ट टच 11000, अगर हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लोगों को लगता है कि इस बार नहीं होगा, जितने लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि इस बार नहीं होगा, उनको इस बार फिर से होता दिखाई देगा दोस्तों। ये फॉल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और 11063 11000 के लेवल को पकड़ लीजिए, दिस शुड एक्ट एज अ मेजर मेजर सपोर्ट, एंड इफ इट गेट्स ब्रोकन, अगर ये टूट जाता है तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा हमेशा से इतिहास रहा है, थोड़ा सा पीछे चल के देखें, अगर 786 टूटा है तो क्या हुआ है, 786 टूटा है तो 0.23 तक बाजार गिरा है फर्स्ट, सेकेंड टाइम जो 786 टूटा तो बाजार ने 0.5 के आसपास जरूर एक बाउंस बैक करने की कोशिश की, थर्ड टाइम फिर 0.382 के आसपास तक रिट्रेस किया बाजार ने, फोर्थ टाइम बाजार गिरा तो बाजार 0.5 से भी नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ टाइम जब बाजार गिरा तो 0.5 से बाउंस किया, सिक्स्थ टाइम बाजार गिरा तो 0.23 से बाउंस किया, ये सबसे डीपेस्ट रही 2008 के बाद में। इस बार आपको क्या लगता है, इस बार नहीं होगा क्या, इस बार फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं क्या, इकोनॉमी बहुत अच्छी है क्या, कोविड यहां से चला गया है क्या, वर्ल्ड बैंक की सिचुएशन सही हो गई है क्या, फेड सही हो गया है क्या, जो एक्स्ट्रा मनी पंप हुआ है बाजार में वी शेप रिकवरी के लिए, लोगों को झूठ फैलाने के लिए, क्या ये सब सही हो गया है? यूएस इलेक्शंस के बाद ट्रंप का क्या होगा हमें नहीं मालूम, अगर ट्रंप आ जाते हैं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप नहीं आते हैं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब मार्केट को, मार्केट अपनी चाल से चलेगी, मार्केट को चलना है, मार्केट सैचुरेट करेगी, मार्केट कंसोलिडेट करेगी, मार्केट एक रैली बनाएगी फिर से चलेगी। अब यहां पे ये जो रैली है, रैली का जो बेस बन रहा है, ये ड्रॉप कब तक आ सकता है, ये समझने वाली बात है दोस्तों। चलिए यहां पे इलेट वेव को मैंने प्लॉट करके रखा है दोस्तों, आप समझते होंगे जो थर्ड वेव होती है, थर्ड वेव हमेशा जनरली इट इज द लॉन्गेस्ट देन द फर्स्ट वेव। जो फर्स्ट वेव हमारी रही वो कंप्लीट हुई 6373 के आसपास, 6000 के आसपास में उसका करेक्शन आया,
2275 के आसपास में. Then the third wave went on to 9143, the fourth wave went to 6849, 12400 के आसपास में fifth wave खत्म होती है और यहाँ से correction rally जो start होती है. ये rally थी, it was a rally, altogether it was a rally, complete rally. Now rally में जो correction है, this correction, it bounced from 7500 wave A. Then wave B has almost touched the 12,000 level. Almost. इसको cross नहीं किया इसने. Cross नहीं किया. It has made a lower high. Lower high. Now this correction has started. Considering all the fundamentals, considering all the technical aspects, this C wave कहाँ तक जाएगी दोस्तों? अब आप मुझे बताइए. Comment section में अभी जाके लिखिए. बिल्कुल please write down in the comment section कि क्या ये 0.786 को होल्ड करेगी, which is 11,000, considering all the economical aspect, considering all the financial aspects of the economies, economy की बात नहीं कर रहा, economies, GDP का क्या हाल है, manufacturing हो रही है नहीं हो रही है. दोस्तों मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली के एक ऐसे एरिया को बहुत नजदीक से जानता हूँ जिसको हम बिजनेस हाउस कहते हैं, which is सदर बाजार इन दिल्ली. ठीक है, सदर बाजार के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, those who know me personally और those who know me for old times. They know that we have a business of taxation also, right? My wife is a taxation lawyer और हमारे पास clients हैं पुराने दिल्ली के जितने भी client हुआ करते थे, जो factory owner थे, जो business owner थे, उन्होंने अपनी factory बंद कर रखी है, सब import में आ रखे हैं, China से माल आता है आगे बेचते हैं. अगर आज उनसे पूछा जाए कि क्या वो factories वापस setup करना चाहते हैं तो कहते हैं सरकार की policies नहीं है. Guys, this is not a political driven video. Let me very very honestly utter again. कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है. मैं बिल्कुल भी बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ. अगर मैं उन बातों पे ध्यान दूँ जो बिजनेस हाउसेस कहते हैं, वो फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट करना चाहते, वो प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करना चाहते. दोस्तों हमारे पास बहुत क्लाइंट है और 40 साल का पुराना बिजनेस है हमारे पास जो टैक्सेशन और इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है. आप समझ के देखिए, जब बिजनेस हाउसेस नहीं करना चाहते, मैं एक सैंपल की बात करूँ, आप कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान का सैंपल थोड़ी ना है, दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारा माल, मतलब मेजर माल दिल्ली के सदर बाजार से जाता है, पूरे इंडिया में सप्लाई होती है, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सैंपल स्टडी बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही स्ट्रांग है. तो जब वो लोग फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं, उनको लगता है पॉलिसीज ऐसी है नहीं, माल कितना बनाए कैसा बनाए, एक्सपोर्ट फेवर है नहीं, एक्सपोर्ट फेवर पॉलिसीज नहीं है, तो एक्सपोर्ट कहां से करेंगे लोग. तो ये सब ब्लफ है कि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त होने वाली, हो सकता होगा आने वाले 10 साल में हो जाए, पर 2 साल में तो नहीं होने वाला, साल में नहीं होने वाला, ऐसा चमत्कार ओवरनाइट नहीं होने वाला. तो दीज फंडामेंटल्स, दीज वैल्यूएशंस माइट नॉट सस्टेन. सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि क्या ये 786, ये करेक्शन जो स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं दिस वेव, दिस मूविंग वेव, राइट, दिस करेक्टिव वेव कहां पे एंड होगी? क्या 0.786 पे एंड होगी 11,000 पे? नहीं तो क्या ये 0.618 पे बाउंस लेने की कोशिश करेगी 10,295 पे? या इट विल कम बैक टू at least 0.59761 around level 976164 पकड़ लीजिए. दोस्तों मेरा जो अनुभव कहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो वी शेप रिकवरी थी, ये सस्टेन नहीं होनी चाहिए अगर बाजार को सही से चलना है. आप किसी भी रैली को देखिए, हर रैली में एक अप एंड डाउन zigzag फॉर्मेशन से मार्केट चलता है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत लंबा चलता है. दोस्तों यहां पे zig तो है पर zag नहीं है, आप समझिए. इस रैली में, ये जो रैली है, इस रैली में सिर्फ जिग है, मतलब अपवर्ड है, इंपल्स है, करेक्शन नहीं है. इंपल्स वेव तो दिखाई दे रही है, करेक्टिव वेव नहीं दिखाई दे रही है. करेक्टिव वेव अगर स्टार्ट होती है तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं इस सवाल को कि क्या ये रैली 9761 पे एंड होगी या उसको भी डीपली पेनिट्रेट करके 0.382 से रिवाइव करेगी, विच इज 9200 लेवल. दोस्तों मार्केट कैन डू वंडर्स, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, किसी को भी ब्लफ कर सकती है, बट जो मार्केट स्ट्रेंथ में होती है उस मार्केट के अंदर में ब्लफ नहीं होता, उस मार्केट में बबल नहीं होता, वो मार्केट लीप्स एंड बाउंसेस से चलती है, बहुत लंबी चलती है. आई नो मार्केट कैन गो टू 13,000, 14,000, 15,000, 20,000 ऑल्सो इन कमिंग पीरियड्स, बट उससे पहले बाजार की वैल्यूएशंस का सही होना बहुत जरूरी है, बाजार का सही से करेक्ट होना बहुत जरूरी. करेक्शन का क्या मतलब है? करेक्ट होना, करेक्ट, करेक्शन इज अ नाउन ऑफ करेक्ट. तो करेक्ट होना, बाजार का सही होना बहुत जरूरी है. तो करेक्शन इज नॉट नेगेटिव, करेक्शन इज पॉजिटिव, क्योंकि वो बाजार को करेक्ट करती है, उसके फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करती है, तब बाजार में पैसा लगाने का मजा आता है. दोस्तों बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो नहीं चल रहे हैं अच्छे फंडामेंटल्स के होने के बावजूद, शायद दे आर एक्सपेक्टिंग सम फॉल, सम करेक्शन और क्रैश, व्हाट एवर यू से, आई लीव इट टू यू नाउ. और दोस्तों इसी सवाल के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं कि ये बाजार कहां तक जाएगा, कहां रुकेगी. मैं आपके सवाल आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में चाहता हूं. दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी,
दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। और हाँ, सब्सक्रिप्शन से काम नहीं चलता है, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ही होगा ताकि ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।